गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गांधीयन एरा मतलब कि गांधी जी का पूरा एक युग चला था, जिसके बारे में हम बात करेंगे अब। तो गांधी जी के सब बारे में सबसे पहले हम बात करें तो इनका पूरा नाम जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्होंने इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई की थी, उसके बाद साउथ अफ्रीका गए थे प्रैक्टिस के लिए। वहाँ पे साउथ अफ्रीका जब गए तो अफ्रीकन्स की जो कुछ कंडीशंस थी, मतलब वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन और अपार्टहाइड की जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेकर इन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सत्याग्रह मतलब कि ये सबसे पहली बात, ये जो थे वो नॉन वायलेंस के फेवर में रहते थे हमेशा। इन्हें हिंसा बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इन्होंने जो अपना गुड मॉर्निंग आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये भूखे रह के, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो भी जिसके भी अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करते थे, भूखे रह के अनशन पे बैठ जाते थे। ठीक है, जिसको सत्याग्रह कहा जाता था। और गांधी जी जो थे मेड सोशल रिफॉर्म्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, द मूवमेंट अगेंस्ट द कस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत जो प्रॉब्लम रहती थी। ठीक है, मतलब छोटे लोगों को छूने से भी लोग कतराते थे, उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उसके लिए भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद छोटे छोटे लोगों को बढ़ावा देने के लिए, यानी उनको आगे करने के लिए, डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या किया, कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी छोटी छोटी इंडस्ट्री, मतलब घरों में छोटे छोटे जो, जैसे कि जो लकड़ी वगैरह का जो झाड़ू वगैरह बनाने का, या इस टाइप से जो, जैसे आप लोगों ने देखा हो कई बार चरखा जो बना देखा होगा गांधी जी के साथ, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज इन्होंने ही स्टार्ट करवाई। ठीक है, जिससे कि हर तरह के लोग, यानी कि छोटी अगर हम बात करें स्टेट के लोग भी जो है, ठीक है, पोजीशन पे जो थे, छोटी पोजीशन पे, उन लोगों को भी डेवलप होने का चांस मिल सके। उसके बाद हम बात करें तो गांधी जी सेक्रीफाइज हिज लाइफ फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है वो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए सेक्रीफाइस की। ही कंसिडर्ड कम्युनलिज्म एंटी नेशनल एंड इनह्यूमन, यानी कि देश के जो खिलाफ लोग थे उनके लिए, और इनह्यूमन यानी कि ऐसे लोग जो कि बिल्कुल अमानवीय, ठीक है, इनह्यूमन, ठीक है, जिनके अंदर ह्यूमनिटी ना हो, ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, या हमेशा जिंदगी भर लड़ते रहे। इन द हिज लीडरशिप द नेशनल मूवमेंट्स बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड यूनिफाइड एंड पीपल ऑफ इंडिया स्टूड अप फॉर फ्रीडम। यानी कि उनके जो नेशनल मूवमेंट्स, जो उनकी लीडरशिप में जो मूवमेंट चलाए जा रहे थे, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, जो नेशनल मूवमेंट जो हमारे थे उनकी लीडरशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते गए, लोग जो थे उनके साथ जुड़ते गए, धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलरिटी थी वो बढ़ती गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो एंड हो गया कब, 1918 में। ठीक है, 1918 में तुर्की जो थे वो डिफीटेड हुए, यानी कि हार गए वो। उसके बाद द विक्टोरियस, यानी कि जो जीतने वाले जो नेशंस थे, ठीक है, और द ब्रेकडाउन ऑफ तुर्किश एम्पायर, यानी कि जो तुर्किश एम्पायर था उसको खत्म कर दिया उन्होंने। दिस इन्फ्यूरिएटेड द मुस्लिम पॉपुलेशन, तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी ये उन लोगों के लिए थोड़ी सी कह सकते हैं कि अस्वीकृत, यानी कि अनएक्सेप्टेबल चीज़ें थी उनके लिए। डिसकंटेंट रोज अमॉन्ग मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, क्योंकि तुर्की को जो हराने वाले नेशंस की हम बात करें, जो विक्टोरियस नेशन थे उसमें ब्रिटिश भी थे, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मुस्लिम लोगों में थोड़ी सी रोष की भावना, यानी अगेंस्ट उनके प्रोटेस्ट की भावना जागृत हो रही थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्टोर्टेड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन एंड इंट्रोड्यूस्ड रॉलेट एक्ट इन 1919, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब उसको ऐसी कंडीशन दिखी कि मुस्लिम उसके खिलाफ जा सकते हैं, तो उसने क्या किया, फिर रॉलेट एक्ट पास किया। ठीक है, जिसमें क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कम्युनल हो, ठीक है, उसको जेल में डाल सकती है विदाउट एनी जुडिशियल ट्रायल। उसके बाद हम बात करें तो मैस्क्योर ऑफ जलियावाला बाग, तो ये काफ़ी बड़ी घटना थी, इसके बाद पूरा देश हिल गया था। ठीक है, इसमें इसको हम डिस्कस करें तो इसमें क्या है, रॉलेट एक्ट जो था जब इसको अप्लाई किया गया, ठीक है, 19 मार्च 1919 से देयर वर प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट द एक्ट। ठीक है, पूरे इंडिया में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। ऑन 6 अप्रैल 1919 को देयर वर
स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड वर्क वॉज स्टॉल्ड पंजाब विटनेस्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। कहने का मतलब है हर जगह पे स्ट्राइक्स हुई, ठीक है, प्रोटेस्ट किए गए, रैली निकाली गई हर तरह से। तो उसके बाद जो पंजाब था, पंजाब विटनेस्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, द गवर्नमेंट चार्ज लाठीज, यानी कि कहने का मतलब जो भी कहते हैं लाठी चार्ज, ठीक है, वो और बुलेट्स एट मैनी प्लेसेस इन पंजाब, यानी कि लाठी चार्ज किया गया, कई जगह पे गोलियां भी चलाई गई, ठीक है। इस टाइप की घटनाएं वहां पे होती नहीं क्योंकि प्रोटेस्ट होते रहे, और इस टाइप की घटना भी क्योंकि रॉलेट एक्ट जो था उस टाइम पे पास था, यानी कि किसी को भी कुछ भी बताए बिना आप सीधा जेल में डाल सकते हो, इस टाइप का वो कानून था। उसके बाद हम बात करते हैं द टू पावरफुल लीडर्स ऑफ कांग्रेस, यानी कि दो पावरफुल लीडर्स जो थे कांग्रेस के, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, वर अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू जेल। उनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में भेज दिया गया। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज अरेस्ट देयर वाज अ मीटिंग ऑन 13 अप्रैल, यानी कि इस अरेस्टिंग, यानी जिन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था इन दोनों लीडर्स को, ठीक है, उसके प्रोटेस्ट में 13 अप्रैल यानी 13 अप्रैल को। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है बैसाखी, यानी इसमें बैसाखी भी थी। माय चाइल्डहुड जलियांवाला बाग इन अमृतसर, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, दिस इज अ स्मॉल गार्डन सराउंडेड विद हाउसेस, छोटा सा गार्डन था जिसके चारों तरफ घर बने हुए थे। दैट्स ऑल। जनरल डायर एंटर्ड फ्रॉम द ओनली गेट ऑफ द गार्डन सराउंडेड इट अलोंग विद ऑल हिज सोल्जर्स, यानी कि जनरल डायर जो था, ठीक है, वो अंदर आया, एक सिंगल गेट था वहां पे उस पार्क में, उसने चारों तरफ अपने सोल्जर्स को बिठा दिया, यानी कि सोल्जर्स को तैनात कर दिया, और बिना कोई चेतावनी दिए बात किए सीधा फायर का ऑर्डर दे दिया। इसमें काफी ज्यादा लोग मारे गए, लगभग 100 पीपल्स जो थे वो मारे गए। उसके बाद मोर देन 1200 पीपल वर इंजर्ड, यानी कि इसमें 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। मैनी पीपल जम्प्ड इनटू द बैल, यानी कुछ लोग कुएं में कूद गए क्योंकि अंधाधुंध जब गोलियां चल रही थी, लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, दीवारों पे चढ़ रहे थे, कुएं में कूद रहे थे, हर तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 1200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे, कुछ लोग कुएं में कूद गए थे, मतलब बहुत बड़ा इंसिडेंट अपने आप में ये माना जा रहा था। मैनी उसके बाद दिस इनह्यूमन एंड बार्बरिक एक्ट इन्फ्यूरेटेड द हो एंटायर नेशन, इस टाइप का जो एक इंसिडेंट था पूरे देश को, इसने देश का दिल दहला दिया। एवरी इवन मैनी ऑफ द ब्रिटिश पीपल फाउंड दिस ग्रिसम एक्ट एंड डिलीवरेट मैस्योर सोल स्ट्रेटिंग, यानी कि दिल दहलाने वाली, आत्मा को दहला देने वाली, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के कुछ लोग भी इस चीज को बहुत दर्दनाक घटना मान रहे थे। सून आफ्टर द मैस्योर मार्शल लॉ was imposed in Punjab to establish the terror of rule, but this could not daunt the spirit of the movement. The terror of military which Dyer hoped to develop failed. The non-cooperation movement started after this massacre. यानी कि इसके जस्ट बाद, यानी कि ये जब इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था, मैस्क्योर था, उसके बाद तो मार्शियल लॉ भी जो है वो इम्पोज किया गया पंजाब में, ताकि जो उनकी एक तरह से कह सकते हैं उनका जो आतंक था वो बना रहे। लेकिन जनरल डायर का जो था, जो सोच रहे थे कि वो जो उन्होंने किया है उससे जो आतंक फैलेगा उनके लिए पूरे देश में, वो चीज नहीं हो पाई। जस्ट उसके बाद ही गांधी जी ने कौन सा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, या हम बात करें खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट लगभग एक ही टाइम पे स्टार्ट किए गए, ठीक है। कहने का मतलब दोनों का इंटेंशन एक ही था। तो आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो खत्म हो गई, उसके बाद तुर्की वॉज गिवन अनजस्ट एंड अनफेयर ट्रीटमेंट बाय द विक्टोरियस नेशंस, ठीक है। तो तुर्की जो थे, जो लोग जीते थे, जो नेशंस जीते थे, उनके द्वारा काफी ज्यादा अनफेयर और अनजस्टिसफुल बिहेवियर मिल रहा था, उनको ट्रीट किए जा रहे थे उस स्टेज से, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड देयर, वहां से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस मूवमेंट अली ब्रदर्स, इस जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट के सपोर्ट में कौन आए, अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली
ऑफ इंडिया स्टार्टेड दिस मूवमेंट, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया. इवन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड ट्राइड स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर द कंट्री, और इसको पूरी कंट्री में फैलाने की कोशिश की. बट एज सून एज दिस मूवमेंट एंडेड इन तुर्की इट्स इंटेंसिटी फेडेड, यानी जैसे ये मूवमेंट तुर्की में खत्म हुआ ऐसी इसकी इंटेंसिटी जो थी वो भी कम होती चली गई, यानी कि इसका फैलाव जो था वो भी कम होता गया. कांग्रेस अडॉप्टेड अ न्यू प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन 1920. तो कांग्रेस जो थी उसने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, नया प्रोग्राम एक्सेप्ट किया, इसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. कब स्टार्ट किया इसको? 1920 में अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. किसकी लीडरशिप में इसको स्टार्ट किया गया था? गांधी जी की. प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला मैसेकर रोलक्ट एक्ट ब्रीच ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अचीविंग स्वराज वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. यानी कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, किस लिए किया गया ये मूवमेंट? तो मेनली सबसे पहली बात ये किसके प्रोटेस्ट में था? जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था उसके, उसके बाद स्वराज और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रोलेक्ट एक्ट पास किया था उसको विड्रॉ करने के प्रॉमिस में. ठीक है, तो ये सारे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे. उसके बाद दिस मूवमेंट वाज टू बी रन इन मेनी स्टेजेस. इन द इनिशियल स्टेज द टाइटल्स कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर टू बी रिटर्न. यानी कि जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बोला था कि कोई भी अपने आप को राजा नहीं कह सकता, यानी जो भी टाइटल्स हैं आपके कोई भी टाइटल्स अपने नहीं रख सकता. तो उस चीज को वापस करना सबसे पहला स्टेज था इसका. उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, कोर्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वर टू बी बॉयकॉटेड. उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन थी वो नेक्स्ट स्टेज जो थी उसमें जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ये सब जो थे इनको क्या किया जाए? बॉयकॉट, यानी कि इनका बिल्कुल पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाए. इट वॉज डिसाइडेड दैट अ बैटरी ऑफ 1,50,000 वॉलंटियर्स वुड बी प्रिपेयर्ड टू रन द मूवमेंट. ये डिसाइड किया गया कि एक पूरा लगभग 1.5 लाख लोगों का एक पूरा एक समूह जो है इस मूवमेंट को रन करेगा. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज वेरी बिग सक्सेस. मोर देन 2/3 वोटर्स डिड नॉट वोट इन द असेंबली इलेक्शन. ठीक है, ये बहुत बड़ा मूवमेंट रहा, बहुत बड़ी इसको सक्सेस भी मिली. ठीक है, लगभग 2/3 जो वोटर्स थे उनमें से उन लोगों ने वोट नहीं किया नेशनल असेंबली के जो इलेक्शंस थे. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर डिजर्टेड लुक्स, यानी कि उनको जो इंस्टीट्यूशन थे उनमें जब लोगों ने जाना ही बंद कर दिया तो वो भी एक तरह से बंद होने की कगार पे आ गए थे. अ न्यू प्रोग्राम ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज लॉन्च. काशी विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम. मैनी इंडियंस लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कहने का मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था उसमें मेनली ये था कि ना तो हम उनके स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, ना उनकी जॉब्स करेंगे, ना उनके सामान का यूज करेंगे, पूरी तरह से उनको वॉयकट कर देना है, यानी वॉयकट मूवमेंट का ही नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, तो जब इस टाइप की कंडीशन बनी इससे काफी ज्यादा सक्सेस मिली, क्योंकि देखो इसमें ना तो हम लड़ रहे हैं, हम केवल आपकी चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ये मूवमेंट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा. व्हेन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड सेपरेशन वर ऑन द क्लाइमेक्स, जब ये क्लाइमेक्स पे था. ठीक है, नॉक्सन कांग्रेस कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन इलाहाबाद इन दिसंबर 1921. एक मीटिंग रखी गई का इलाहाबाद में 1921 में. द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्वेंशन वॉज हाकिम अजमल खान. इसके प्रेसिडेंट जो थे वो हाकिम अजमल खान थे. कांग्रेस डिसाइडेड टू कंटिन्यू द मूवमेंट टिल द इन द इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल ऑफ तुर्की वॉज रिड्रेस्ड एंड सेल्फ रूल वॉज अचीव. यानी कि इसका जो मेन डिसाइड किया गया था, इसका मूवमेंट का जो मेन एम था वो क्या था? इनजस्टिस जो हो रहा था तुर्कीज के अगेंस्ट, ठीक है, उसको बंद किया जाए, उनको भी एक सेल्फ अचीव्ड या कह सकते सेल्फ रूल जो था उनका वो भी वो अचीव कर सके. ठीक है, लेकिन इन फरवरी 1922 गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ मूवमेंट विज नॉट टू पे टैक्स इन बरदोली डिस्ट्रिक्ट बट ऑन 4 फरवरी इन द प्लेस कॉल्ड चोरी चौरा इन उत्तर प्रदेश. अब ये इंसिडेंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसको समझ लें. इसमें क्या है
कि गांधी जी ने जब एक और मूवमेंट इसी के साथ स्टार्ट किया था वो था मेज, जिसमें कि गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स देने के लिए उन्होंने मना किया था, ठीक है, उसको उसके अगेंस्ट थे वो। तो उसी टाइम पे 4 फरवरी को चोरा चोरी एक उत्तर प्रदेश में जगह है, ठीक है, वहां पे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, एक थोड़ा सा प्रोटेस्ट चल रहा था, उनकी रैली चल रही थी, तो किसी कारणवश, ठीक है, यानी कि एक पुलिस स्टेशन जो था उसको जला दिया गया। उस पूरे इंसिडेंट को अगर हम बात करें तो उसमें ना तो किसी की गलती थी, क्योंकि देखो उसमें एक इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंटली एक चीज हुई थी, ठीक है, एक्सीडेंटली मतलब कि ना किसी ने जानबूझ के वो चीज की थी, ना ही कोई प्लानिंग के थ्रू, तो एक्सीडेंटली वो काम हुआ। उसमें एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई उन वर्कर्स के थ्रू या उन लोगों के थ्रू, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो गुस्से में भीड़ ने उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए, ठीक है। व्हेन दिस न्यूज रीच्ड गांधी जी, जब ये न्यूज जो थी वो गांधी जी के पास पहुंची, ही टुक इट एज द गॉड्स प्रीमोनिशन एंड डिसाइडेड टू सस्पेंड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उसके बाद जब उस गांधी जी के पास ये मूवमेंट पहुंची तो उन्हें लगा कि नहीं, हमारा जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा हिंसावादी होता जा रहा है, यानी वायलेंस पकड़ रहा है, तो उन्होंने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये सबसे बड़ी जो थी वो गलती थी, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो बहुत बड़ी सक्सेस पे था, अगर ये चीज हम पूरा मूवमेंट ये कंप्लीट होता तो पॉसिबिलिटी है कि हमें उसी टाइम पे आजादी मिल जाती, ठीक है। 12 फरवरी को व्हेन अ मीटिंग ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी वाज कन्विंस्ड, इट वाज डिसाइडेड टू फोकस ऑन इशू लाइक पॉपुलराइजिंग द स्पिनिंग व्हील चरखा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑफ एवोल्यूशन एंड अनटचेबिलिटी। यानी कि 12 फरवरी को एक मीटिंग रखी गई कांग्रेस की, जिसमें कि एक चीज डिसाइड की गई कि एक फोकस जो है वो हिंदी मुस्लिम एकता के ऊपर फोकस किया जाए, यानी कि आपस में न लड़े, हम लड़ना है तो केवल उसके साथ में लड़े जो कि हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं या हमारे अगेंस्ट हैं, ठीक है, उनके साथ लड़ना है। द इम्प्रिजेंट लीडर्स वर अनहैप्पी विद द न्यूज ऑफ सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। जो लीडर्स थे जिनको जेल में डाल दिया गया था वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो सस्पेंशन था उससे काफी ज्यादा नाखुश थे। गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड एंड सेंट फॉर 6 years इम्प्रिजमेंट, यानी गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया और 6 साल के लिए जेल में भेज दिया गया, बट वॉज रिलीज आफ्टर 2 years, लेकिन 2 साल बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हैविंग रिलीज्ड ही आल्सो फोकस्ड ऑन पॉपुलराइजिंग चरखा, कंपाइनिंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो उन्होंने एक चरखा जो आप लोगों ने देखा होगा कई पिक्स में रहता है गांधी जी के साथ में, तो उसको उन्होंने कह सकते प्रमोट किया, प्रोमोलाइजिंग किया उसकी, ठीक है। उससे क्या हुआ, अनटचेबिलिटी की जो एक प्रथा चली आती थी उस चीज के अगेंस्ट उन्होंने ये प्रोटेस्ट में रखा उसको, ठीक है, और नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट किया। दिस हेल्प्ड इन प्रोवाइडिंग द अचीवमेंट ऑफ द मूवमेंट एंड प्रिवेंसी एंड अफेक्शन ऑफ कांग्रेस मेड अनदर पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास विच वॉज कॉल्ड स्वराज पार्टी, ठीक है। एक नई पार्टी अब स्टार्ट हुई किसके लीडरशिप में, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। दे डिसाइडेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानमंडल विच दे हैड बीन प्रोटेस्टिंग अप टिल नाउ, बट नाउ दे डिसाइडेड टू ज्वाइन द गवर्नमेंट मशीनरी एंड ट्राई टू डिस्टर्ब इट टिल द पीपल्स डिमांड वर नॉट मैट। यानी कहने का मतलब है, पहले तो क्या सोच रहे थे कि हमें अपनी खुद की काउंसिल बनानी है, ठीक है, इलेक्शन करवा के गवर्नमेंट से बात करनी है कि नहीं, हमारी भी एक काउंसिल है जिसमें कि हम अपने लोगों के लिए काम कर सके। अब वो सोच रहे थे, अब क्या हो रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें, ठीक है, लेकिन इससे लोग थोड़े से नाखुश हो रहे थे। उसके बाद हम बात करें साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देयर वॉज going to be reconsidering on the issue of any constitutional changes in the 10 years. In November 27, British government appointed a commission to review the working of the act and to bring about reform it if required. This commission had no representation of Indian and
Whatever the term and reference were, Indians had no hope to find Swaraj through it. यानी कहने का मतलब है 1919 में एक गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पास किया गया था, ठीक है, जो कि आगे चल के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो थे वो 10 साल में चेंज होता कि मतलब के बहुत लंबी प्रोसेस थी ये, ठीक है, इसलिए जाके 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक कमीशन को अपॉइंट किया जिसका काम था कि इस एक्ट को देखना कि इसकी वर्किंग कैसी हो रही है, ठीक है, एंड टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म इफ रिक्वायर्ड, अगर कोई जरूरत है तो उसको रिफॉर्म लेके आए. दिस कमीशन हैड नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस, यानी कि ये कमीशन जो थी वो इंडियंस को बिल्कुल तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी. एंड वॉट एवर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस वर, इंडियंस हैड नो होप टू फाइंड स्वराज थ्रू इट, यानी कि जो भी उसकी कंडीशन थी, जो भी रिफॉर्म की कंडीशन थी, उससे इंडियंस को तो कोई होप नहीं थी कि हमें स्वराज मिल सकता है. द साइमन कमीशन रीच्ड इन इंडिया इन फरवरी 1928, अ नेशन वाइड स्ट्राइक वॉज अवेटिंग, ठीक है, तो जब वो साइमन कमीशन भारत आया तो एक नेशन वाइड यानी एक नेशन वाइड स्ट्राइक जो थी वो उनका वेट कर रही थी. इवन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल असेंबली बॉयकॉट इट, और नेशनल असेंबली जो सेंट्रल असेंबली जो थी उसके मैक्सिमम मेंबर्स जो थे उन्होंने इस चीज का बॉयकॉट कर दिया, यानी कि पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया, हमें साइमन कमीशन की जरूरत नहीं है, ये चीज उन्होंने बोली. देयर वर कमिटीज फॉर्मड ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन, ठीक है, बाय स्ट्राइक एंड डेमोंस्ट्रेशन, यानी कि उन्होंने साइमन कमीशन के आने का पूरी तरह से पूरी ऑल ओवर द कंट्री में प्रोटेस्ट किया गया, स्ट्राइक की गई, डेमोंस्ट्रेशन किया गया. डेमोंस्ट्रेटर्स शाउटेड द स्लोगन साइमन गो बैक, जो डेमोंस्ट्रेटर थे यानी कि जो कह सकते हैं रैली वगैरह जो निकालते थे लोग, डेमोंस्ट्रेटर्स जो थे उन्होंने एक स्लोगन भी दिया कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ. द पुलिस लाठी चार्ज द साइलेंट एंड पीसफुल प्रोटेस्टर्स, यानी कि जो लोग केवल खड़े होके एक स्लोगन दे रहे थे कि साइमन गो बैक, ठीक है, साइलेंटली कोई भी ना हंगामा कर रहे थे ना कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उन पे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जिसमें कि लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब से जो थे, ठीक है, वो घायल हो गए और उसी में उनकी मृत्यु हो गई. फाइनली साइमन कमीशन हैड टू गो बैक, और इसके वजह से जब देश में बहुत स्थिति बिगड़ने लगी तो जो साइमन कमीशन था उसको वापस जाना पड़ा, क्योंकि लाला लाजपत राय जो थे वो हमारी कंट्री के बहुत बड़े कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे, ठीक है, क्योंकि एग्रेसिव लीडर्स जो थे उनमें लाला लाजपत राय जो थे मेन उनकी लीडरशिप थी, ठीक है, तो ये इतना हो गया. उसके बाद हमारा आता है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अभी आप इसको इतना पढ़ लीजिए, पूरा गांधीयन एरा पढ़ लेना, उसमें जो भी मूवमेंट्स उन्होंने किए हैं इतना पढ़ना, इसके बाद जो भी आएगा आपका वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसको पढ़ के जो भी डाउट्स रहेंगे उनको अंडरलाइन कर लेना. चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसके वीडियोस भी ज़्यादा होंगे, आपको थोड़ी सी इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो है आपको मेन मेन चीज़ें बताते जाएंगे, उसको डिटेल में आपको एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, जो भी डाउट्स रहे उनको अंडरलाइन करना, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी लाइव क्लास उसमें हम इसके डाउट्स क्लियर करेंगे. थैंक यू, हैव अ गुड डे.